हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ आरपी रिचवेयर द फुटवेयर सॉल्यूशंस में। इस चैनल पे आपको मिलेंगे फुटवेयर रिव्यूज। आज का बेसिकली इस वीडियो में मैं जो अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला हूँ भाई, मैं कैंपस ब्रांड के अबैकस रनिंग शूज को रिव्यू करने वाला हूँ, जिसकी एमआरपी 2299 की है। वो हमें 1800-1900 रुपए के आसपास ऑनलाइन मिल रहा है, क्योंकि मुझे काफी सारे लोगों की कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट आ रही थी भाई। तो मैंने बोला नहीं भाई, काम कर रहे शूज मंगा दे यार। आई नो गाइस, ये जो शूज है ना बेसिकली काफी ज्यादा दिखने में प्रीमियम है गाइस, और भाई इतने सारे लोग कंटिन्यूसली मेरे को बोल रहे थे भाई। मैंने बोला नहीं भाई रुक जाओ, ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया, ठीक है। तो मैंने सोचा यार शूज को मंगाते अपन। और देखो भाई, मैंने पहले ही आपको बोला हुआ था जिस शूज की रिक्वायरमेंट मेरे को ज्यादा आएगी ना, डेफिनेटली बात है वो शूज मैं मंगाऊंगा और उसको डेफिनेटली रिव्यू करूंगा। और एक सोचने वाली बात ये ना भाई कि काफी सारे चैनल्स ने उसको रिव्यू किया है भाई। मैंने जब आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पे भी काफी सारे लोगों ने उसको रिव्यू किया, बट पता नहीं यार लोगों का एक अलग ही अटैचमेंट हो गया अपने साथ में, कि वो लोग ऐसा था कि नहीं भाई यार आप मंगाओ, आपका रिव्यू हमें देखना है। एंड आई वाज लाइक यार बहुत मजा आ गया था सुनने की बात। मैंने चलो इस चीज मंगाएंगे और इसको रिव्यू डेफिनेटली करेंगे। तो गाइस हमें यही चेक करना है, गाइस क्या चेक करना है कि ये आर्टिकल कैंपस फर्स्ट, कैंपस रेनिगेड, कैंपस ब्राजील प्रो, ऐसे भाई काफी सारे आर्टिकल है कैंपस के जो बहुत ही ज्यादा सक्सेस आर्टिकल है, क्या ये आर्टिकल उन सबको बीट करता है या नहीं। और गाइस ये भी देखेंगे क्या ये शूज 1800-1900 रुपए में हमें लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो आओ फटाफट इसको अनबॉक्स और रिव्यू करते हैं, ठीक है। आ जाओ, ये बेसिकली गाइस इस तरीके से ये फ्लिपकार्ट में वो पैकेजिंग आई है, तो यार टाइम नहीं लूंगा आपका, ठीक है। ये मैंने गाइस खोल दिया है। इफ यू टॉक टू मी इन टर्म्स ऑफ बॉक्स पैकेजिंग ना भाई, 10/10, ठीक है। ये सेलर जो बेच रहे हैं ना कैंपस एक्टिव वेयर वाले, ये मतलब बहुत गजब है, ठीक है। बॉक्स की पैकेजिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त है। उसके अलावा गाइस ये है वो कैंपस ब्रांड के शूज, इनकी कैंपस वालों की बॉक्स की प्रेजेंटेशन देखो, मतलब इससे गाइस ये तो डेफिनेटली पता चल जाता है कि इन लोग ने ये बॉक्स जो है ना बहुत ही स्पेशली इस आर्टिकल के लिए ही बनाई है, दैट एड्स बेसिकली एक्स्ट्रा प्रीमियमनेस टू दिस शूज। इसके अलावा इसके पहले आपने किसका कैंपस रेनिगेड का आपने बॉक्स देखा होगा मेरे चैनल पर, राइट, कि उसी शूज के लिए उन्होंने वो पर्सनलाइज बॉक्स डेवलप किया था कैंपस वालों ने। उसके अलावा किसका आपको याद आ रहा है, कैंपस रिफ्लैक्स शूज का, हाँ रिफ्लैक्स शूज के लिए भी उन्होंने अलग से उनका इनर डेवलप किया था। इनर मतलब ये बॉक्स को डेफिनेटली इनर बोलते हैं, ठीक है। तो आओ गाइस फटाफट इसको खोलेंगे और देखेंगे क्या ये इश्यूज हमें 1800 रुपए के आसपास लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको स्पेसिफिकेशन पढ़ के दिखा देता हूं। गाइस का आर्टिकल नंबर है अबैकस और ये मैंने कलर जो मंगाया था मूनलाइट ब्लू, और इसके एमआरपी है 2299 की। चेकआउट ये गाइस, ठीक है, ये 8 नंबर बेसिकली मैंने मंगाया था। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग अगर देखेंगे ना भाई, तो ये सितंबर 2021 की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब समझ लो ना मैं अक्टूबर को ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब एक महीने पहले ही मैन्युफैक्चर हुआ है। इससे गाइस क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है ना भाई कि इनका माल डेफिनेटली नहीं रुकता भाई, इनका माल बहुत ही फैला फास्ट बिक रहा है। गाइस फटाफट इसको खोल लेता भाई, मतलब रहा ही नहीं जा रहा, समझ रही हो क्या, 1800-1900 रुपए के कैंपस ब्रांड के शूज। मुझे पता है भाई बहुत लोग आएंगे कमेंट करेंगे भाई कि भाई 1500-1800 रुपए में आप कैंपस ब्रांड कैसे रिकमेंड कर सकते हो यार, यू कैन टेक रिबॉक नाइकी वो रेंज वाली। लेकिन भाई आप मेरे कमेंट सेक्शन में पढ़ लेना भाई, जितने लोगों ने भी वो सारे शूज लिए ना जो कि 1000 और 2000 के बीच के, ईवा सोल मैश अपर वाले या फिर रेक्सिन अपर वाले, नाइकी एडिडास रिबॉक के, वो सारे यही बोल रहे अभी भाई कि यार हमने आपका वीडियो पहले क्यों नहीं देखा है। बिकॉज गाइस उसमें आपको ब्रांड नेम तो मिल जाता है भाई, लेकिन वो जो इंटरनल जो कम्फर्ट होता है ना, मतलब जो इनसोल का और जो ईवा की जो कंपाउंडिंग होती है, वो बेसिकली हमें उसमें नहीं मिल पाती। तो गाइस इसके अंदर बेसिकली ये बिल आया हुआ है मेरे को 1899 के साइड में रख देता हूँ, मतलब समझ रहे हो क्या, इनका जो ये बटर पेपर जो यूज कर रहे हैं ना ये वाला, इसमें भी भाई इन्हीं की ब्रांडिंग है, जो बॉक्स की जो ब्रांडिंग है ना ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फील द फंक, ये जो ब्रांडिंग है ना इनकी, ये सेम ब्रांडिंग हमें कहाँ मिल रही है, इनके बटर पेपर पे। मतलब भाई ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा प्रीमियमनेस ऐड कर रहे हैं। चेकआउट में दिखाऊंगा आपको भाई, सब कुछ दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये देखो भाई ये है वो चीज, इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे फील द फंक वाली ब्रांडिंग आ जाएगी, ठीक है। मतलब कंपनी देखो भाई क्या लेवल पे काम कर रही है, मतलब इतना खर्चा कर। इसके अलावा आपने को ये एक मैनुअल मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैनुअल में ऐसा क्या अलग है, आपने देखा होगा रेनिगेड आर्टिकल में भी कुछ ऐसा लिखा था, यू कैन चेक आउट ये गाइस, ये ग्लोबल गिरी करके कोई कॉन्सेप्ट है उनका, ठीक है। तो ये सेम चीज हमें इसमें भी मिल जाती है, और इसके अंदर बेसिकली इसके फीचर्स के बारे में और काफी बताया, लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा गाइस। उसके अलावा एक चीज और देखने मिल रहा है कैंपस और ये फ्लिपकार्ट की, इनकी कुछ एक्सक्लूसिव हो, एक्सक्लूसिव तो नहीं बेसिकली सब जगह मिल ही रहा है हमें, लेकिन इस तरीके से एडिशनल हमें एक मिल जाता है, ठीक है। अब गाइस आप मानो मेरी बात, जब मैंने बॉक्स को खोला है ना, मेरे को जो फील आया ना भाई, मतलब आप समझ रहे हो क्या, मेरे 1800-1900 रुपए मेरे को उसमें देख चुके हैं भाई, कि हाँ मैंने ये चीज खरीदी है, ये चीज आई है मुझे 1800-1900 रुपए में। फर्स्ट इंप्रेशन गाइस को बाहर निकालेंगे पहले तो अपन, और ये बॉक्स में कर देता हूँ बंद, और यहाँ मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है। गाइस अगर फर्स्ट इंप्रेशन इस शूज का अगर मैं दूंगा, मतलब समझ रहे हो ना, मैंने 1900 रुपए अगर खर्चा करके ये शूज मंगाए ना भाई, तो मेरे को इतना मजा आएगा ना, कैसा लगेगा कि हाँ चलो मैंने कोई सही चीज में इन्वेस्टमेंट की है, मतलब ये शूज आएगा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। सबसे पहले गाइस मैं आपको सब कंप्लीट लुक दिखाता हूँ, चेकआउट गाइस द कंप्लीट लुक ऑफ दिस शूज। ये बेसिकली मैंने मूनलाइट ब्लू कलर मंगाया, ठीक है। इनके जितने भी कलर्स है ना बेसिकली सारे इस टाइप के, ये मतलब थोड़े से लाइट कलर्स टाइप ज्यादा है इनके, ठीक है। अब गाइस ये शूज की और खासियत क्या भाई, जब मैं इसको हाथ में ले रहा हूँ ना भाई, ये चीज में ना जो ये अबैकस रेंज जो बनाई है ना उन्होंने,
प्रीमियमनेस बहुत ज्यादा फील हो जाती है। आप समझे मेरी बात, जब बॉक्स से निकालोगे ना तो आप मतलब आपका दिल आ जाएगा इस शूज पे। लुक वाइज गाइस अगर बात करूं ना शूज की, भाई आई कैन इजीली गिव 9 out of 10। गाइस मैं सबको ब्रांडिंग दिखा दूं, कहां का कैंपस की ब्रांडिंग आ जाएगी, चेकआउट ये गाइस टंग के ऊपर यहाँ पे कैंपस की ब्रांडिंग आ जाती है। उसके अलावा गाइस पूरे पैर में कैंपस की इतनी कोई खास नहीं, यहाँ पे सोल के नीचे यहाँ पे कैंपस की ब्रांडिंग आ जाती है, ठीक है। के अलावा इफ यू कैन चेक आउट हियर गाइस, इनसोल पे इनकी आ जाती है कैंपस मेमोरी टेक लाइट, जहाँ पे लिखा हुआ ना अंदर की तरफ वहाँ पे इनकी ब्रांडिंग आ जाती है। इनमें सपोर्टर्स गाइस इसके निकाल लेता हूँ, और अब मतलब मानो ना यार ये बहुत मतलब बहुत गजब शूज दिख रहे हैं मेरे को भाई। ये डेफिनेटली अगर मैं उनसे कंपेयर करूंगा, जैसे मैं आपको पहले ही कहा रेनिगेड नॉर्थ प्लस या ऐसे कोई भी आर्टिकल से कंपेयर करूंगा, तो ये आर्टिकल डेफिनेटली विन करता है ओवर लुक्स एंड एवरीथिंग। गाइस इसके अगर अपर की बात करूंगा भाई, तो आप नजदीक से देखो यार इसका अपर, देखो इसका अपर इतना जबरदस्त लग रहा है ना। ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये बहुत ज्यादा आई कैच कर रहा है, समझ रहे हो, बहुत जबरदस्त लग रहा है यार। उसके अलावा इस शूज में अगर आप आईलेट्स की बात करेंगे ना भाई, तो यहाँ पे देखो ये पोर्शन जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप समझो ना, आप नजदीक से देखो इसको यार, ये बेसिकली टीपीयू ये लोग यूज कर रहे हैं, बट अब डिजाइन देखो ना यहाँ पे जिगजैग डिजाइन आपको देखने मिल जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से लुक वाइज डेफिनेटली पर थोड़ा यूनिक दिखता है। मतलब नॉर्मली कैसा होता है लोग बाकी सब स्पोर्ट्स शूज में यहाँ पे प्लेन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक अलग चीज अपने को देखने मिल जाती है इस शूज में। उसके अलावा अगर मैं टंग की बात करूंगा इस शूज की ना भाई, तो टंग में इतनी कोई बहुत ही ज्यादा कुशनिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी ठीक है, जब समझे आप लेस वेद एक बार मान लोगे तो आपको तो डेफिनेटली नहीं करने वाले। उसके अलावा गाइस अगर मैं कॉलर कुशनिंग की बात करूं ना भाई, तो कॉलर कुशनिंग इसकी बहुत ज्यादा डैम ऑसम है। उसके अलावा गाइस अगर मैं इनसोल की बात करूंगा भाई, तो इनसोल में आपको मेमोरी टैग लाइट इनसोल मिल जाती है। और आपको क्या चाहिए मेरे भाई, मेमोरी टैग लाइट मतलब आप जब पैर डालोगे ना आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, आपको डेफिनेटली बात है गद्दी वाली फीलिंग आएगी उसमें, ठीक है। अब भाई मिडसोल की बात करते हैं, मिडसोल मतलब इस पोर्शन की बात करो, ठीक है। जो व्हाइट वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो ना, ये मिडसोल, इस मिडसोल की कंपाउंडिंग इतनी जबरदस्त है ना भाई, इतनी जबरदस्त है क्या पूछो ही मत, कितनी जबरदस्त है, ठीक है, मतलब बहुत गजब ऐसी कंपाउंडिंग। उसके अलावा देखो एडिशनल अपने को क्या मिलता है यहाँ पे, यू कैन चेक आउट ये गाइस, यहाँ पे कुछ सपोर्ट अपोर्ट दे आर राइटिंग इट समथिंग, जिसमें क्या लिखा आपको सपोर्ट टैग, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना ये टीपीयू का पोर्शन है, ठीक है। उसके अलावा आप अगर नीचे देखेंगे ना भाई, ये टीपीआर पोर्शन अपने को मिल जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वाइज ये लोग बोल रहे कि ये रबर है, तो हमें मान लेना चाहिए, ठीक है, चलो ये रबर है, बिकॉज रबर और टीपीयू में अपन इतना इजीली मेकआउट नहीं कर पाते बेसिकली, ठीक है। एंड इफ दे आर टेलिंग रबर है, तो भाई मैं रबर फील भी ले लेता हूं भाई, तो हाँ चलो ठीक है, अगर बोल रहे रबर है तो यार ये रबर ही होगा। सोल का भाई नजदीक से मैं आपको लुक दिखा देता हूं भाई, आप इसका नजदीक से लुक देखो, मतलब बहुत ही ज्यादा रिजिड ऐसा लगता है ना, बहुत ज्यादा ग्रिपी उस टाइप की फीलिंग आती है उसके नीचे के आउटसोल को देख के। उसके अलावा सोल वाइज में एक खासियत ये है ना भाई, कि इसके पीछे आप यहाँ पे ये पोर्शन देख रहे हो ना, ये कोई डिफरेंट कलर ये लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो सी ग्रीन कलर ऐसा कुछ बोलते हैं बेसिकली हमारे फुटबॉल टर्म में, ये बेसिकली लाइट सी ग्रीन टाइप, ये बेसिकली वो कलर हमें देखने मिल जाता है। मतलब मिडसोल भी डबल कलर मिडसोल हो जाती है भाई, अपनों को एक जगह एक तरफ यहाँ पे व्हाइट मिल जाती है और यहाँ पे आपको सी ग्रीन कलर मिल जा रहा है, ठीक है। आई नो गाइस प्राइस वाइज थोड़ा सा प्रीमियम रेंज में पहुंच रहा है, समझो 1800-1900 रुपए 2300 रुपए की एमआरपी, थोड़ा मेरे को पता है भाई थोड़ा सा हैवी हो जाता है। अगर ये आर्टिकल आपको 1700-1800 रुपए के आसपास अगर मिल रहा होगा ना भाई, तो आग बंद करके ले रहा, यू विल श्योरली लव दिस। अब गाइस फ्लेक्सिबिलिटी अगर बात करो ना भाई, तो इसमें आपको काफी रीजनेबल फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। अब ऐसे इस टाइप के जो हार्डकोर शूज होते हैं ना भाई, वो इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल डेफिनेट नहीं होते, आपको मोड़ेंगे तो पूरा नहीं मुड़ने वाला, अगर पूरा मुड़ भी जाएगा तो फिर आप क्यों मोड़ रहे हो, मत मोड़ो ना, बिकॉज इसका जो पर्पज है ना भाई एकदम हार्डकोर रनिंग वगैरह, ये बाय डेफिनेटली उसमें बैठता है। आओ गाइस फटाफट इसको पहन के भी चेक करेंगे भाई, इंसोल वगैरह कम, मेरे को पता है भाई इंसोल तो इसकी बहुत डैम ऑसम है ही वैसे तो, लेकिन देखेंगे ना भाई फील लेंगे कि 1800-1900 रुपए का अगर मैं शूज लूँ तो वो कैसे लगेगा, ठीक है। चलो आ जाओ। तो गाइस एज यू कैन चेक आउट हियर गाइस, ये शूज मैंने पहन लिए है भाई, और पहनने के बाद एक बहुत ही बोलते हैं ना सातवें आसमान वाली फीलिंग है, जो इनसोल का कंफर्ट वगैरह फिटिंग वेटिंग वाइज ये डैम प्रीमियम और डैम ऑसम है। तो गाइस इस शूज को अगर मैं पहन के अभी चल रहा हूँ ना भाई, तो एक बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल कंफर्ट वाली फीलिंग है, आप समझ रहे हो मेरी बात, नेक्स्ट लेवल कंफर्ट। मतलब भाई ऐसा लगता है भाई कि मैंने अगर इतने पैसे डाले हैं 1700-1800 रुपए या 1900 रुपए डाल के अगर ऐसा कोई शूज लिया है, तो आपके पैसे वसूल है मेरे भाई, आपके पैसे वसूल है। गाइस मैं उन सारे लोगों को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा जिसने मेरे को कहा कि भाई अबैकस मंगाओ रिव्यू करो, अबैकस मंगाओ रिव्यू करो। आप मानो मेरी बात, दिस वाज वर्थ रिव्यूइंग, कंफर्ट वाइज क्वालिटी वाइज डैम ऑसम है, प्रीमियमनेस काफी ज्यादा वो फील होती है हमें, ठीक है। और गाइज ये जो शूज है ना, मैं अपने टॉप कैटेगरी में बहुत ही इजिली इंक्लूड कर सकता हूँ, बिकॉज ये डिजर्व करता है मेरी टॉप कैटेगरी में रहने के लिए, ठीक है। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड जो कि प्लान आउट कर रहे हैं कोई शूज खरीदने के लिए, और खास करके कैंपस ब्रांड में अगर वो कोई प्रीमियम रेंज ढूंढ रहे ना भाई 2000 रुपए आसपास में, तो ये शूज को कंसिडर करना डेफिनेटली बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू गाइज।